मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हम कुछ चींटियों को देखते हैं जो खाना लेकर बिल में जा रही होती हैं। तभी उनके ऊपर एक लड़का लूकस आकर गिरता है जिसे वो चींटियां डिस्ट्रॉयर समझकर वहां से भाग जाती हैं। जिसके बाद कुछ बच्चे लूकस के पास आते हैं जो उसी को परेशान करके वहां से चले जाते हैं। फिर लूकस इस बात का गुस्सा चींटियों पर पानी डालकर निकालता है। वो उन चींटियों से कहता है कि तुम छोटी हो और मैं बड़ा। फिर हम एक एंट कपल होवा और ज़ोक को देखते हैं। वो लूकस से कहते हैं कि हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी लूकस की मदर उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। लूकस का नाम सुनकर होवा को काफी अच्छा लगता है। जब लूकस अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड लूकस को उसकी सिस्टर टिफनी के पास छोड़कर वैकेशन पर जा रहे हैं। इस बात से लूकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मदर से नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ोक को देखते हैं जो एक स्पेशल शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो किसी भी इंसान का साइज बदल सके। लेकिन होवा को इंसानों से लगाव था। तभी ज़ोक के पास उनका लीडर आता है। वो ज़ोक को बताता है कि हमारा खाना खत्म हो रहा है, जिस पर ज़ोक उससे कहता है कि हम इंसानों से खाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पर होवा इस फाइट को रोकना चाहती थी, इसलिए वो कहती है हमें बात करनी चाहिए। इधर लूकस के पेरेंट्स लूकस को टिफनी और उसकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़कर वैकेशन पर निकल जाते हैं। इस बात से लूकस बहुत सैड हो जाता है। तभी फिर से उसके फ्रेंड लूकस के पास आकर उसे बुली करने लगते हैं और एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंक कर चले जाते हैं, जिससे लूकस डर कर गिर जाता है और चींटियां उसके हाथ पर चढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे लूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चींटियों के झुंड पर पानी डालने लगता है जिससे सारी चींटियां बहने लग जाती हैं। इस दौरान वहां पर एक कीड़े मारने वाला आदमी आ जाता है जिसका नाम स्टैन बील्स होता है। वो लूकस को छोटा बच्चा बोलकर चिढ़ाता है और एक पेपर पर साइन लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम होवा और ज़ोक को देखते हैं। जब वो पानी से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सब लूकस ने किया है। इस पर उन्हें लूकस पर बहुत गुस्सा आता है। उनका लीडर कहता है कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी लूकस हमें परेशान करता है। फिर वो सब लूकस को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। उसी रात को जब लूकस सो रहा होता है तभी ज़ोक उसके कान में इंसानों को छोटा करने वाला पोषण डाल देता है और उसका सीरम लूकस पर काम भी कर जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो खुद को चींटी के साइज का पाता है और उसे चींटियां उठाकर ले जाने लगती हैं। तभी उसके रूम में उसकी दादी आ जाती हैं और वो अपनी दूरबीन से चींटियों को लूकस को ले जाते हुए देख लेती हैं, जिसे देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। फिर सारी चींटियां लूकस को उनके लीडर के पास ले जाती हैं, जहां उसे विनाशक नाम दे दिया जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि उसने चींटियों को किस तरह से परेशान किया है। तभी वहां पर उनकी क्वीन आती है। वो लूकस से कहती है कि अब तुम्हें यहां के तौर तरीके सीखने होंगे और तुम्हें एक तरीके से चींटी बनकर रहना होगा, जिससे तुम हमारे फ्यूचर के लिए काम आओगे। फिर उनका लीडर कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि लूकस चींटी बनेगा और उसे चींटियों के तौर तरीके कौन सिखाएगा। जिस पर होवा आगे आकर कहती है लूकस को मैं सब सिखा दूंगी। नेक्स्ट डे लूकस वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी होवा उसे देख लेती है। वो उससे कहती है ये हमारी क्वीन का ऑर्डर है जिसे तुम्हें मानना ही होगा और तुम्हें यहां पर रहकर यहां के तौर तरीके सीखने ही होंगे, जिससे तुम कॉलोनी में अपनी जगह बना पाओगे। फिर होवा लूकस को अपनी फ्रेंड के पास ले जाती है। वहां लूकस को ब्लू टीम में डाल दिया जाता है, जहां उसे चारा इकट्ठा करने का काम सौंप दिया जाता है। तभी वहां पर फुगिक्स नाम का एक चीटा आता है जो उस टीम का स्काउट होता है। फिर लूकस अपनी टीम के साथ स्वीट ड्रॉप लेने के लिए जाता है। वहाँ लूकस कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी टीम मेंबर उसका मजाक बनाते हैं और लूकस के काम ना कर पाने की वजह से ब्लू टीम हार जाती है, जिस वजह से लूकस बहुत सैड हो जाता है। तभी होवा उसे मोटिवेट करती है। वो उसे कहती है कि चींटी की तरह काम करो, जिस पर लूकस गुस्से में कहता है कि क्या मैं तुम्हें चींटी नजर आ रहा हूँ। आगे वो कहता है कि तुम चींटी अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। इसी दौरान वहाँ दूसरे कीड़ों का अटैक हो जाता है, जिसे देखकर होवा जल्दी से लूकस को बचा लेती है और लूकस घास में छिप जाता है। लेकिन एक कीड़ा उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन वो उस बॉम्ब में फंस जाता है जो लूकस के दोस्त उसकी तरफ फेंक कर चले गए थे। और लकीली उसी टाइम वो बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से उस कीड़े की मौत हो जाती है और सारे कीड़े डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि लूकस ने सारे कीड़ों को वहाँ से भगा दिया है। सब उसे थैंक्स बोलने लगते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा ज़ोक उसके काम को अप्रिशिएट करने की बजाय उसे कहता है कि ये हमारा रक्षक नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन है। ये हमेशा बिना गलती के हमें परेशान करता है, ये कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। उसी रात को डिनर के टाइम उसे ग्रीन जेली टाइप का कुछ दिया जाता है, जिसे देख कर लूकस को बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे बार बार खाने लगता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो किसी कीड़े का बीट है तो उसे वॉमिट हो जाती है। तब होवा लूकस को कुछ खाने को देती है, जिसे खाकर लूकस एकदम ठीक हो जाता है, जिसके बाद लूकस को उनकी कॉलोनी दिखाई जाती है, जहां से उसे एंट गॉडेस की तस्वीर देखने को मिलती है। फिर होवा उसे एक आदमी की फोटो दिखाती है, जिसे वो शैतान कहकर पुकारती है। वो उनकी कॉलोनी में जहरीला स्मोक करके चला जाता है, लेकिन लूकस उसे पहचान लेता है और उसे याद आता है कि ये तो स्टैन बील्स है, जिसके बाद वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन चींटियां उसे वहां से जाने नहीं देती, क्योंकि लूकस अभी तक उनके टेस्ट में पास नहीं हुआ था। लेकिन लूकस उन्हें बचाना चाहता था, इसलिए वो
उन्हें मीठी मीठी जेली का लालच देता है जो उसके घर में रखी होती है। होवा फोगेक्स और उसकी एक फ्रेंड लूकस के साथ उसके घर जाते हैं। फिर लूकस उन तीनों को अपना घर दिखाता है जहां वो अपने घर को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर लूकस तीनों को अपनी जेली खाने को बोलकर अपने फोन से उस स्टैन बील्स का नंबर डायल करता है, लेकिन उससे सही नंबर डायल नहीं हो पाता है। इसी दौरान टिफनी फोगेक्स को जेली कैंडी उठाते हुए देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी वहां ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो टिफनी को ये बोलकर रोक देती हैं कि तुम उसे मार डालोगी। फिर सिंक में चींटियों पर चिल्लाते हुए लूकस को छोड़ने की बात कहती हैं, जिस वजह से उनके दांत सिंक में गिर जाते हैं। फिर हम जोक को देखते हैं जो काफी सैड होता है। तभी वहां पर होवा लूकस को लेकर आ जाती है। उसके जाने के बाद जोक लूकस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वो उसे पोषण दिखाते हुए कहता है कि अब तुम कभी पहले जैसे नहीं बन सकते क्योंकि मैं तुम्हें ये पोषण कभी नहीं दूंगा और यहां भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जिससे लूकस डर कर वहां से भाग जाता है। फिर लूकस पर एक फ्रॉग अटैक कर देता है और लूकस को जिंदा ही निगल जाता है। तभी वहां पर होवा और जोक भी आ जाते हैं। होवा को ये देखकर बहुत बुरा फील होता है। वहीं लूकस मेंढक के पेट में जाकर गिरता है जहां उसे तीन कीड़े और मिलते हैं जो मेंढक के पेट में भरे पानी में धीरे धीरे पिघल रहे थे। फिर जोक लूकस को बचाने का डिसाइड करता है और मेंढक के सामने आकर उसे खाने की बात बोल देता है। इस चैलेंज को सुनकर वो मेंढक जोक को भी निगल लेता है। मेंढक के पेट में जाकर जोक लूकस से मिलता है। फिर जोक मेंढक की बॉडी में कुछ ऐसी चीज छोड़ देता है जिस वजह से मेंढक वॉमिट कर देता है, जिससे लूकस और जोक मेंढक के पेट से सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर लूकस और जोक में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से बात करने लगते हैं। ये देखकर होवा बहुत खुश हो जाती है। लूकस जोक को बताता है कि उसे ये नहीं पता था कि चींटियों में भी फीलिंग्स होती है, वरना वह उन्हें कभी परेशान नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब सोकर उठते हैं तब वहाँ पर स्टैन बील्स आ जाता है। उसे देखकर लूकस शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने तो उसे कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, लेकिन असल में उसकी कॉल तो पिज्जा वाले के यहाँ लग गई थी। फिर सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। लूकस लीडर से कहता है कि वो जोक के पोषण से स्टैन बील्स को भी उसी की तरह छोटा कर दे, जिस पर जोक कहता है कि वो पेड़ जितना लंबा है हम उस तक कैसे पहुँचेंगे। तभी लूकस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर लूकस और जोक उन कीड़ों के पास जाते हैं जिन्हें लूकस ने बॉम्ब से भगा दिया था। तभी उनके पास एक कीड़ा आता है जिसकी आंखें स्मोक की वजह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह वो उस स्टैन बील्स को बताता है। फिर वो लूकस से पूछता है कि तुम्हारे पास उससे बचने का क्या प्लान है। फिर लूकस और उसकी टीम उन कीड़ों पर बैठकर उस कीड़े मारने वाले के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन पाता क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन डाल रखे थे। तभी वो स्टैन बील्स फोगेक्स को पकड़कर फेंक देता है और इस अफरा तफरी में लूकस उसके बालों में जा गिरता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि बालों की जुएं उसे खाने आ रही हैं, जिनसे बचने के लिए लूकस उसकी नाक के बालों से लटक जाता है, जिस वजह से उसे छींक आती है और लूकस सीधे जमीन पर आकर गिरता है। लूकस देखता है कि उस कीड़े मारने वाले के स्मोकिंग करने की वजह से अब सारे कीड़े मर रहे हैं। इस दौरान लूकस को होवा नजर आती है जो कि एक घायल कीड़े के नीचे दबी होती है। लूकस दौड़कर होवा के पास जाता है और उस कीड़े के नीचे से होवा को बाहर निकालता है, जिसके बाद लूकस उस कीड़े को सेफ जगह पर ले जाकर उसकी भी जान बचा लेता है। वहीं कुछ बग्स मिलकर उस कीड़े मारने वाले आदमी के प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर देते हैं। तभी लूकस इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पोषण सीरम को उसके हिप्स पर इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो अचानक से छोटा हो जाता है और सारे कीड़े उसे छोटा पाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। लूकस के इस काम से सारी कॉलोनी की चींटियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर लूकस को उनकी क्वीन के पास ले जाया जाता है, जहां वो लूकस की बहुत तारीफ करते हुए कहती हैं कि वो विनाशक नहीं है, और आखिर में वो उसे फ्री करने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती हैं। तभी फोगेक्स लूकस के पास आता है। वो उससे कहता है कि कभी कभी हमें वो नीले पत्थर जरूर ला कर देना, जिसके बाद जोक उसे वो पोषण सीरम दे देता है ताकि वो फिर से पहले जैसा बन सके। जाते टाइम होवा उसके गले लगकर उससे कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी और लूकस भी उससे कहता है कि वो भी उसे बहुत मिस करेगा। फिर लूकस वहां से बाहर आकर वो पोषण पी लेता है और वापस से बड़ा हो जाता है। तभी लूकस की ग्रैंड मदर उसे बड़ा होते देख खुश हो जाती हैं। तभी वहां उसके पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं और लूकस अपनी मॉम को देखते ही उनके पास आकर उन्हें हग कर लेता है। इसी बीच वहां पर लूकस को बुली करने वाले उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें लूकस प्यार से समझाता है तो वो उसकी बात मान जाते हैं। फिर लूकस के फ्रेंड्स उसे अपने साथ खेलने को कहते हैं। तब लूकस उन्हें थोड़ी देर रुकने को बोलकर अपनी जेब से जेली स्टोन निकाल कर चींटियों की कॉलोनी में डाल देता है। ये देखकर फोगेक्स और बाकी सारी चींटियां बेहद खुश हो जाती हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस।